अमेरिकी फाइटर जेट ने रविवार यानी 13 फरवरी को एक और उड़ने वाली वस्तु को मार गिराया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस बार यूएस की कनाडाई सीमा पर हुरोन झील के आसपास एक वस्तु उड़ती हुई नजर आई थी। एक सप्ताह पहले चीनी जासूसी गुब्बारे को गिराने से लेकर अब तक ये चौथी घटना मानी जा रही है। अब तक चीन को केवल पहली वस्तु के लिए ही जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। प्रशासन के एक अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रपति जो बाइडेन ने लड़ाकू विमान को वस्तु गिराने का आदेश दिया था। इससे पहले अमेरिका ने अलास्का के जन क्षेत्र के ऊपर एक अज्ञात वस्तु को नष्ट किया था। उससे एक सप्ताह पहले साउथ कैरोलिना तट के आसपास एक संदिग्ध चीनी जासूसी गुब्बारे को नष्ट भी किया था। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने बताया कि इस वस्तु को शनिवार को उत्तर पश्चिम कनाडा के यूकोन क्षेत्र में नष्ट किया गया था। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय के मुख्यालय पेंटागन ने बताया कि ये वस्तु एक रात पहले अलास्का में देखी गई थी। अमेरिका के राष्ट्रपति आवास व्हाइट हाउस ने बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति और कनाडा के प्रधानमंत्री के बीच फोन पर बातचीत हुई और इस संबंध में फैसला लिया गया था। कनाडा के प्रधानमंत्री ने कहा कि मैंने कनाडाई हवाई क्षेत्र का उल्लंघन करने वाली एक अज्ञात वस्तु को नष्ट करने का आदेश दिया था। NORDC यानी नॉर्थ अमेरिकन एयरोस्पेस डिफेंस कमांड ने यूकोन में एक वस्तु को मार गिराया था। कनाडाई और अमेरिकी विमानों को तैनात किया गया और एक अमेरिकी F-22 ने वस्तु को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया गया।